हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हैज, हैव और हैड के बारे में, मतलब टेंस के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आज हमारा मेन टॉपिक है टेंस। टेंस मींस टाइम। टेंस तीन प्रकार का होता है, पास्ट टेंस जो बीत चुका, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो कि आगे होने की उम्मीद है। एग्जाम्पल, पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है आई वॉज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर 2001। मैं 2001 में 22 अक्टूबर को पैदा हुआ था। प्रेजेंट टेंस में आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 12। ये सब प्रेजेंट टेंस के अभी आप क्या कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस, आई विल बिकम डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। आगे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। द वर्ब्स दैट शो द एक्शंस दैट हैपन इन प्रेजेंट टाइम आर इन प्रेजेंट टेंस। यानी कि वर्ब जो शो कर रहे हैं एक्शंस को के वो अभी हो रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। सिमिलरली द वर्ब्स दैट टेल अस अबाउट द एक्शंस दैट हैपेंड समटाइम इन द पास्ट आर इन द पास्ट टेंस। यानी कि जो वर्ब हमें बताते हैं कि एक्शन पहले कभी हुआ था तो वो वर्ब्स भी पास्ट टेंस में होते हैं। अगर हमें वर्ब को पास्ट टेंस में करना हो तो पीछे हम लोग डी या फिर ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे आस्क का हो जाता है आस्क्ड, वॉश का होता है वॉश्ड। लेकिन सारे के सारे वर्ब्स के साथ डी और ईडी ऐड करना भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ वर्ब्स का स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे ब्रिंग का हो जाता है ब्रॉट, हाइड का हिड, कीप का केप्ट, ईट का एट, सिट का सैट, स्लीप का स्लेप्ट, मेक का मेड, बाय का बॉट, कैच का कॉट, नो का न्यू, मीट का मेट, सेंड का सेंट, लीव का लेफ्ट, राइट का रोट, गेट का गॉट, टेक का टुक, रन का रैन, टेल का टोल्ड, से का सैड, रिंग का रैंग, केम हो जाता है कम का, और स्टैंड का स्टूड। दो वर्ब्स हैं टीच और गो। इसका पास्ट टेंस आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा नेट से सर्च करके या खुद के दिमाग से लिखेंगे। अब बात आती है प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे कि एट, थ्रू, नियर, आउट ऑफ, इनटू, अबाउट। वो वर्ड्स जो रिलेशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का बाकी शब्दों के साथ एक सेंटेंस में, उनको प्रेपोजिशंस बोलते हैं। जैसे आई विल मीट यू एट 6 PM, मैं आपसे मिलूंगा कितने बजे, 6 बजे। तो एट यहाँ पे आपका रिलेशन बता रहा है। रोहित डाइव्ड इनटू द रिवर, रोहित नदी में कूदा था, तो इनटू इज प्रेपोजिशन। कुछ वर्ड्स होते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस किस काम आते हैं, दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल है एंड, बट और बिकॉज। नॉर्मली हम सभी ये यूज कहीं ना कहीं करते ही हैं।
एग्जाम्पल है ऋतु डिड नॉट गो टू द स्कूल, शी वॉज इल. अब इन दो सेंटेंस को हम जोड़ के लिख सकते हैं ऋतु डिड नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज शी वॉज इल. दूसरा एग्जाम्पल द फूड वॉज टेस्टी, इट वॉज कॉस्टली. हम लिख सकते हैं द फूड वॉज टेस्टी बट कॉस्टली. पहले वाले सेंटेंस में बिकॉज और दूसरे वाले सेंटेंस में बट कंजंक्शन है. ऐसे ही एंड और भी अपना कंजंक्शन होता है. इन दो से रिलेटेड सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.